आप सभी लोगों का वेलकम एक नई वीडियो में। तो आज हम आए सैनी नर्सरी पे, तो यहाँ का आप वीडियो रोक के यहाँ का नंबर एड्रेस ले सकते हैं। तो आज इस नर्सरी पे देखेंगे हमें कौन कौन से प्लांट मिलेंगे। रोड साइड पे ही नर्सरी है, तो चलते हैं नर्सरी के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, इस समय आप प्लांट लगा सकते हैं, बरसात का समय है। तो कौन कौन से आप प्लांट लगा सकते हैं वो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और कई सब्सक्राइबर का कमेंट है कि वीडियो लंबी ना हो। वीडियो की स्टार्टिंग हम अपने अपराजिता प्लांट से करते हैं। ये प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि तुलसी हो गया और भी कई प्लांट जो आते हैं, तो उसी तरह से ये प्लांट भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत शुभ माना जाता है। इसको लोग अपने घरों पे लगाना पसंद करते हैं। और इसका जो फ्लावर होता है पर्पल कलर का आता है, और इसके फ्लावर के जब फ्लावर का टाइम एक पूरा हो जाता है उसके बाद इसमें सीड बनते हैं, एक फली बनती है। आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की आपको फली देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं। और इसमें इसके सीड रहते हैं। अभी ये कच्ची फली है, जब पक जाएगी तो इसमें ब्लैक कलर के सीड निकलेंगे, जो कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। और फिर एक प्लांट अगर आप नर्सरी से ले आते तो बहुत प्लांट हो जाएंगे। और इस प्लांट को आप उस जगह पे लगाएं जहाँ पे तुलसी हो, वहाँ पे इसकी लोकेशन बहुत ही सही मानी जाती है। मैंने काफ़ी इसकी रिसर्च की है और मैंने अपने घर पे भी इस प्लांट को इसी जगह लगा रखा है। और आपको दो तीन प्लांट मैं बता देता हूँ जो एक साथ आप लगाएं। पहला है तुलसी, दूसरा है अपराजिता, और तीसरा आप सनी, जो सम्मी का प्लांट होता है जिसे सनी भी कहते हैं, वो प्लांट आप साथ में लगाएं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट के तरफ तो नेक्स्ट प्लांट है हमारा कनेर। कनेर की कई वैरायटी आती हैं, तो ये जो वैरायटी दिखा रहा हूँ ये आप लगा सकते हैं अपने छत पर। और इसकी जो जंगली वैरायटी होती है जिसपे येलो कलर के और संतरी कलर के फ्लावर आते हैं, तो वो घंटी के तरह उसके फ्लावर आते हैं और इसमें गुच्छों में आते हैं। और ये इस तरह के गमले में आपको लगी हुई 100 रुपये की मिलेगी, और अगर पोली बैग में लगी रहेगी तो आपको ये 50 रुपीज़ प्लांट मिल जाएगा। ये मैं आपको अपनी नर्सरी के बता रहा हूँ रेट, बाकी आपके एरिया में क्या रेट है आप जाके पता कर सकते हैं। और अगर मेरी बताई हुई नर्सरी पे आते हैं तो ये रेट आपको मिलेगा। इसके पत्तों में कोई लिक्विड नहीं रहता है, देख सकते हैं। जो जंगली वाली होती है उसमें से वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, जो कि काफ़ी जहरीला होता है, तो इसलिए उस वैरायटी को ज़्यादा लोग नहीं लगाते हैं। ज़्यादा आपको रोड साइड पे मिलेगी। और इस वैरायटी को आप अपने टेरेस गार्डन या बालकनी में अपने लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी, खुशबू इसमें आती है और इसको जल्दी, इसमें कोई इंसेक्ट नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं लगती है। तो ऐसे प्लांटों की ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है। तो अगर आपके पास टाइम कम है प्लांट के लिए, आप ज़्यादा बिजी रहते हैं और आपको फूल लगाने का भी शौक़ है, फूलों वाले प्लांट, तो इस तरह के आप प्लांट अपने बालकनी या अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, एवरग्रीन प्लांट है, तो आप इसको बाय ज़रूर करें। इस तरह के गमले में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। ब्लैक कलर का गमला ज़्यादातर नर्सरी पे आपको मिलेगा और ये 100 रुपीज़ का प्लांट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट के तरफ। तो नेक्स्ट प्लांट है हमारा बोगनवेलिया, देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत इसमें फ्लावर आते हैं, और अच्छी बात यह है कई कलरों में हमको मिल जाता है, जिसमें वाइट, गुलाबी, रेड, कई कलरों में हमें बोगनवेलिया मिल जाता है। तो आप इस प्लांट को नर्सरी पे कुछ इस साइज में आपको 250 रुपये 200 रुपये तक का ये प्लांट आपको मिल जाएगा। और अगर छोटे से गमले में है कुछ इस तरह के, तो ये प्लांट आपको 100 रुपये प्लांट आपको मिलेगा, जिसकी हाइट 2 फीट रहेगी, 2 से 1 फीट के आसपास हाइट रहेगी। तो ये प्लांट आपको नर्सरी पे जो कि 100 रुपये प्लांट आपको मिल जाएगा, और अगर इससे बड़ा होता है तो 250 300 इस तरह का आप देख सकते हैं, जो बोनसाई बना हुआ है, तो ये आपको 250 रुपये का प्लांट मिलेगा। अब इधर देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।
तो अगर आप पे ज़्यादा टाइम नहीं है फूलों को टाइम देने का, तो आप इस तरह के प्लांट बाय करें। और मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है आप हमें कमेंट में भी बताएं, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं और उसका रिप्लाई तुरंत ही करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बरसात का समय है, जितना हो सके आप प्लांट लगाएं। अगर आपके आसपास जगह है तो आप ज़रूर प्लांट लगाएं। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और स्क्रीन पे आ रही वीडियो नर्सरी की आप देख सकते हैं।